एंड द फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, लॉग फंक्शन कॉस ई एक्स इज देयर। तो हमारे पास जब भी डेरिवेटिव लेना है लॉग फंक्शन का, तो हमारा लॉग फंक्शन क्या बनेगा हमेशा, इट वुड बी 1 ओवर x, 1 ओवर f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, f(x) का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉग के साथ एक फंक्शन अटैच्ड है। तो सबसे पहले तो लॉग एक्स का हमें पता ही है क्या होता है डेरिवेटिव, इट इज 1 बाय x, ठीक है। तो इसमें x की जगह क्या लिखा हुआ है, कॉस ई टू द पावर x दिया हुआ है। अब हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ई टू द पावर x। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय कॉस ई टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस ई एक्स इज देयर, तो इट इज माइनस ऑफ साइन ई टू द पावर x, देन जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव हमें पता ही है, ई एक्स ही होगा, और हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या बन के आती है, माइनस साइन ई एक्स कॉस ई एक्स इज देयर और डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स ओनली। तो ये हमारी वैल्यू क्या बन के आएगी, टैन माइनस ऑफ टैन ई टू द पावर एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में कौन है, ई एक्स। सो दैट वुड बी योर कंप्लीट आंसर फॉर द फिफ्थ।